हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल हाउ टू सिंपलीफाई एजुकेशन। इस चैनल ते पीएस टेट, सी टेट ते मास्टर कैडर लिए इंपॉर्टेंट नोट्स अवेलेबल हैं, जो तुसी चैनल दी प्लेलिस्ट दे विच जाके देख सकते हो। आज दी वीडियो दे विच डिस्कस करांगे जो सेंट्रल हैड टीचर ते हैड टीचर लिए पोस्टा निकलियां सन। इन्हां पोस्टा लिए विभाग दी साइट ते सिलेबस अपडेट हो चुकिया है। तो जो ये सेंटर हैड टीचर ते हैड टीचर दीयां पोस्टा हन, इन्हां लई दो पेपर होणगे। तो इन्हां पोस्टा लई जो सिलेबस जारी होया है, उस सिलेबस नूं आपां बरीकी नाल समझांगे कि किस तरह का यह सिलेबस है ते किस तरह इस सिलेबस नूं वधिया तरीके नाल प्रिपेयर किया जा सकता है। आओ जी देखते हाँ पूरे सिलेबस नूं। सी एच टी ते एच टी दीयां पोस्टा बारे जो पहला पेपर है वह 100 नंबर का होगा। तो इस पेपर नूं करन लई 1.5 घंटे का समां दिता जाएगा। इस तरह ये 100 क्वेश्चन 90 मिनट दे विच करने हैं। इस फर्स्ट पेपर दे विच जो पार्ट ए है वह पैडागोगी नाल संबंधित है। इस दे विच इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड साइकोलॉजी, कंसैप्ट ऑफ इंटैलीजेंस एंड इमोशनल इंटैलीजेंस। इस चैनल पर असी पैडागोगी लई बहुत सारिया वीडियो अपलोड कर चुके हाँ, जिस दे विच इंटैलीजेंस, इमोशनल इंटैलीजेंस, ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट ये सारे कंसैप्ट आपां क्लीयर कर चुके हाँ। जेकर इन्हां दे तुसी नोट्स देखना चाहते हो तो कोने ते आई बटन ते क्लिक करके देख सकते हो जी, जिथे तुहानू पैडागोगी नाल संबंधित सारिया वीडियोज़ मिल जाएगियां। नैक्सट करिकुलम बारे है जी, डायवर्सिटी ते इनकलूजिव एजुकेशन बारे है, कंप्रहेंसिव एवैल्यूएशन बारे है। तो फर्स्ट पेपर दे विच जो पार्ट बी है उस दे विच 50 मार्क्स की जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर है। इहदे विच इंपॉर्टेंट डेज, इंडियन हिस्टरी, इंडियन नैशनल मूवमेंट, ये वाले सारे टॉपिक शामिल हैं। हिस्टरी ते इंपॉर्टेंट डेज नाल रिलेटड वीडियोज़ भी तुसी चैनल दी प्लेलिस्ट दे विच जाके वेख सकते हो। तो जेकर तुसी करंट अफेयरस नाल रिलेटड वीडियोज़ चाहते हो तो तुसी साढ़े जीके चैनल हाउ टू सिंपलीफाई जीके ते विजिट कर सकते हो। हाउ टू सिंपलीफाई जीके चैनल ते असी सारे करंट अफेयरस करावांगे। तो जल्द ही एक स्पैशल वीडियो बनावांगे जिस विच पिछले 6 महीनों के सारे करंट अफेयरस नूं एक ही वीडियो दे विच डिस्कस करांगे। इस तो इलावा जेकर तुसी सी एच टी ते एच टी लई स्पैशल प्रैपरेशन करना चाहते हो तो तुसी सानू कमेंट करके जरूर दसो जी। इस तरह पहले पेपर दे विच 100 नंबर का पेपर है जिसनों 90 मिनट दे विच करना है। आओ जी हुण आपां सैकंड पेपर देख लेंदे हाँ। सी एच टी ते एच टी रिक्रूटमेंट लई जो सैकंड पेपर है वह 200 मार्क्स का होगा। इसलिए 3 घंटे मिलेंगे तो ये 200 क्वेश्चन इस तरह 180 मिनट दे विच करने होंगे। इस दे विच 20 मार्क्स की इंग्लिश आएगी जिस दे विच पूरी इंग्लिश की ग्रामर है जी। 20 मार्क्स की पंजाबी आएगी जिस दे विच पहली श्रेणी तो लैके 12वीं तक दियां पाठ पुस्तक हैं। तो जो पंजाबी साहित्य है वह सेकेंडरी पद्धर का है। इस तो बाद 10 नंबर की हिंदी भी आएगी पर हिंदी सिर्फ 10 नंबर की ही होगी। इस तो बाद 25 मार्क्स के कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे। तो उस तो बाद 50 मार्क्स की रीजनिंग एबिलिटी आएगी। कंप्यूटर नॉलेज ते रीजनिंग एबिलिटी बारे जेकर तुहानू स्पैशल वीडियो चाहिए है तो सानू कमेंट करके जरूर दसो जी। उस तो इलावा सैकंड पेपर दे विच 50 मार्क्स का एजुकेशनल ऑर्गनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ये वाले टॉपिक्स चो क्वेश्चन आएंगे जिस विच एडमिनिस्ट्रेशन ते मैनेजमेंट के संबंध दे विच क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस दे विच मिड डे मील स्कीम के बारे भी क्वेश्चन आएंगे। नैक्सट 25 मार्क्स की एजुकेशनल इनोवेशनस एंड एजेंसीज़ बारे पूछा जाएगा। इन्हों 25 मार्क्स के SCERT, PSEB, NCERT, NCTE इन सारिया एजेंसीज रिलेटड 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिन्होंने RTI, RTE ये सारे टॉपिक भी शामिल हैं। जेकर तुहानू साडे वल्लों दित्ती गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो में लाइक ते शेयर जरूर करो जी। तो जेकर तुहाडी कोई क्वायरी है तो तुसी कमेंट बॉक्स के कमेंट करके पूछ सकते हो जी। थैंक यू जी।